प्रदेश सरकार द्वारा कर्फ्यू को हटाकर लॉकडाउन शुरू किया गया है, जिसके चलते आज से हमीरपुर जिला में 5 घंटे की छूट दी गई है। इस दौरान लोग जिला प्रशासन के द्वारा जारी किए गए हिदायतों की सरेआम उल्लंघना करते हुए नजर आए। वहीं लोगों की भीड़ को देखकर प्रशासन के होश भी उड़ गए और आनन-फानन में SDM सहित SHO को बाजार में आकर लोगों को सख्त हिदायत देकर घर भेजा गया। SHO संजीव गौतम ने लोगों को कानून के दायरे में रहकर काम करने की हिदायत दी और चेतावनी दी कि अगर दोबारा से लोगों ने सरकार के नियमों की पालना नहीं की तो उन्हें 5,000 जुर्माना और 8 दिन की सजा भी की जाएगी। लॉकडाउन में मिली छूट का स्थानीय व्यापारियों ने खुशी जताई है। वहीं लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग अपनाने की भी नसीहत दी है। स्थानीय व्यापार मंडल के प्रधान अनिल सोनी ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए फैसले का वह स्वागत करते हैं, लेकिन लॉकडाउन में मिली छूट का नियमों के तहत उपयोग करना होगा। उन्होंने कहा कि बाजार में आने से पहले मुंह पर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का खासा ख्याल रखना होगा। सरकार का, प्रशासन का, हमारे विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर जी का, जिन्होंने हमारे को टाइम के रिलेटेड उन्होंने हमें हेल्प की है, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सरकार का धन्यवाद इसलिए करता हूँ क्योंकि उन्होंने इतने दिनों के बाद अपने दुकानदारों को अलाउ किया अपनी दुकानों की शटर खोलने के लिए, और 9 से 2 उन्होंने टाइम फिक्स किया है, इसके लिए मैं प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। और रही में मैंने SDM साहब को रिक्वेस्ट की है कि आउटस्कर्ट्स में वो हमारे दुकानदारों की या कस्टमर्स की या जिनकी भी गाड़ियाँ बाहर पार्क करें और शहर के बीच में ट्रैफिक व्यवस्था ना हो, ताकि हमारे कस्टमर्स जो हैं उनको वो फ्री होकर चल सकें और हमारी दुकानदारी चल सके। जो ये जो सेंटर की गाइडलाइंस हैं या उसके बाद फिर स्टेट की गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से हमारी ऑरेंज जोन है, तो जो इन्होंने अलाउ किया है इन्होंने अंडर रूल किया है, और हम खुश और नहीं खुश होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। स्थानीय व्यवसायी जसवंत सिंह का कहना है कि जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार द्वारा 5 घंटे की छूट देने का वे स्वागत करते हैं। लॉकडाउन में मिली छूट से ग्रामीण इलाके के लोगों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि वे इस समय के दौरान बाजार में खरीदारी कर सकते हैं। काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है, और जो जितनी हमारी जो पब्लिक आएगी उसके लिए बहुत बढ़िया, और 9 से 2 जो है वो बहुत बढ़िया टाइमिंग है, और जितने भी मतलब ये हम जो डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे और सब कुछ बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे। स्थानीय व्यापारी संदीप भारद्वाज ने लॉकडाउन में मिली छूट पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि लोगों को लॉकडाउन का पालन कर ही बाजार में आना चाहिए। ये जो 9 से 2 का डिसीजन है ये बहुत अच्छा डिसीजन है, और मेरे सभी व्यापारी भाइयों से ये अनुरोध रहेगा कि जैसे प्रशासन ने ऑर्डर किए हैं कि कोई भी गाड़ी है, स्कूटर है, जहाँ लोग आ रहे हैं तो ये बाजार से बाहर ही पार्क करें, बाहर पार्क करें, ताकि किसी तरह की असुविधा किसी को ना हो। और मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, अपने विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस समय, इस कठिन समय में ये हमारा सहयोग किया। हमीरपुर SHO संजीव गौतम ने कहा कि जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध पुलिस द्वारा कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वहीं कुछ लोगों को हिदायत देते हुए उन्होंने कहा कि अगर कर्फ्यू का पालन वे नहीं करेंगे तो 5,000 रुपये जुर्माना और 8 दिन की सजा का भी प्रावधान इसमें रखा गया है। नियम यह कहता है कि किसी भी घर से एक ही व्यक्ति आएगा, और जो कोई बाहर आएगा वो अपना मास्क कंपल्सरीली लगा के आएगा, ग्लव्स इज एडवाइजेबल, और जब भी हम मार्केट में चलें, किसी भी दुकान में जाएं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन स्वयं सुनिश्चित करें, किसी के बोलने का इंतज़ार ना करें, बिकॉज ये सारी प्रोसेस जो है वो हमारी सुरक्षा के लिए है, समाज की सुरक्षा के लिए है। मैं आपके माध्यम से सभी से ये अपील करना चाहता हूँ कि पुलिस और प्रशासन आप लोगों के लिए ही कार्य कर रहा है, आप लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप लोग अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, बिना मास्क के बाहर ना निकलें। यदि आप ऐसा करेंगे, ऐसा पाया जाता है कि आप विदाउट मास्क घूम रहे हैं, बिना किसी मतलब के घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 8 दिन तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा आपके खिलाफ क्रिमिनल एक्ट के तहत, IPC के तहत विभिन्न धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। लेकिन हम इस स्तर पर जाना नहीं चाह रहे हैं, हाँ, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि लोग काफ़ी दिनों से अंदर हैं, परंतु हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में है और हमें इसको ध्यान में रखते हुए ही कार्य करना है। गाड़ी लेकर इमरजेंसी के केस में ही आ सकते हैं, या फिर वो व्हीकल आ सकते हैं जो परमिटेड हैं। बाकी पर्पज़ ये है कि आप अपने नियरेस्ट स्थान से ख़रीदारी करें, वाहन का प्रयोग ना करें। यदि वाहन का प्रयोग किया जाता है तो वाहन का चालान किया जाएगा, वाहन को सीज किया जा सकता है और उसके खिलाफ FIR की जा सकती है।
गाड़ी के लिए नियम यह है कि गाड़ी में ड्राइवर के अलावा दो व्यक्ति और व्हीकल पे नॉर्मली पिनियल राइडर ना बैठे। जी एमरजेंसी के केस में बैठ सकते हैं, बट वो डिपेंड करता है कि एक्सीजेंसी को, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोगों के पास सिर्फ टू व्हीलर्स हैं, एक्सीजेंसी को मीट करने के लिए टू व्हीलर्स पे दो सवारियाँ अलाउड हैं, अन्यथा डिस्करेज करें और टू व्हीलर को यूज़ करना ही डिस्करेज करें और गाड़ियों का प्रयोग ना करें।